दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाई वैभव एंटरप्राइजेस। हर प्रकार का मार्बल, टाइल्स, पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी का सामान बाजार से कम दामों पर खरीदें। मेन मार्केट बकरेड़ी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं नए मोटर व्हीकल एक्ट की। दोस्तों जान से ज्यादा जुर्माने की फिक्र करने की सोच का विश्लेषण आज हम कर रहे हैं। क्या हम जिस दिशा की तरफ जा रहे हैं वह सही है या फिर उसका नुकसान होने वाला है? आज इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर हम लाते हैं आपके लिए आपके क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याएं, उनको अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए, और साथ साथ में दूसरी तरफ आपके साथ हम विश्लेषण करते हैं बहुत सारे ऐसी समस्याओं का जो आपके क्षेत्र से जुड़ी रहती हैं या आपके जागरूकता के लिए जुड़ी रहती हैं। दोस्तों जैसा कि देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, हालांकि अभी कई ऐसे राज्य हैं वहां पर यह लागू नहीं हुआ है, जो समय के अनुसार लागू हो जाएगा। इस मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि देखें तो बहुत बड़े जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें साधारणतया जो लोग पहले हेलमेट के लिए 100 रुपए देते थे, अब वो 1000 रुपए का चलान दे रहे हैं, या फिर सीट बेल्ट का चलान, हर एक चलान को बढ़ाया गया है। तो आखिर क्या कारण है? सरकार की क्या ऐसी मंशा है कि देश में रेवेन्यू बढ़ाने की कोई प्लानिंग की जा रही है? क्या है इस मोटर व्हीकल एक्ट का असली सच, जो आज हम विश्लेषण करेंगे। दोस्तों पहले हम कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है समझना, हम इस देश के नागरिक हैं। अगर एक दिन में पूरे देश की बात की जाए तो लगभग 1700 से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इन सारे एक्सीडेंट्स के अंदर लगभग 70% दुर्घटनाएं तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से होती हैं। उसके बाद 6% दुर्घटनाएं गलत दिशा में चलने वाले लोगों की वजह से होती हैं। 2% दुर्घटनाएं मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय बात करने से होती हैं, और 1% लगभग दुर्घटनाएं सिग्नल को ब्रेक करने की वजह से होती हैं। अगर इन सारी बातों को देखें तो चलान का जो डर है, क्या इन सब चीजों को बचा सकता है, ये अपने को आज इस विश्लेषण में समझना है। दोस्तों सवाल यहां ये है कि क्या हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमत पैसे की है? अभी 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर एक बंद का आह्वान किया गया, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध किया गया और जिसमें पूरा चक्का जाम किया गया। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि ये जो नियम है ये किसके लिए बनाए गए हैं? यदि आप इन नियमों को फॉलो करें तो क्या आपका चलान हो सकता है? या फिर दूसरी तरफ जैसे कि लोगों का यह कहना है कि अब पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां पर 1000 देने की बात आएगी वहां पुलिस वाले व्यक्ति 200, 300, 500 रुपए में सेटलमेंट कर सकता है। अगर आप जागरूक हो जाएं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, तो भ्रष्टाचार होने का कोई कारण ही नहीं बनता। अब दूसरी तरफ यहां पर एक बड़ी बात निकल कर आती है कि सरकार ने जो ये चलान की अमाउंट बढ़ाई है, तो क्या इसके साथ साथ में सरकार को एक डिजिटल इंडिया पर भी फोकस नहीं करना चाहिए था? मैं इसको आपको थोड़ा पहले बात बताता हूं कैसे। जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, तो सरकार को उसकी जानकारी मिलती है। जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं तो सरकार के पास उसकी जानकारी होती है। जब आप अपनी गाड़ी का किसी भी तरह से कोई ऐसा सरकारी कार्य कराते हैं, जैसे RC लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो भी सरकार के पास उसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो जब सरकार के पास सारी जानकारियां किसी व्यक्ति से संबंधित में हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर हो, चाहे वो RC को लेकर हो, चाहे वो इंश्योरेंस को लेकर हो, तो क्यों ना सरकार प्रावधान बना देती है एक ऐसा डिजिटल इंडिया का कि कोई भी व्यक्ति अगर मौके पर बिना डॉक्यूमेंट्स के पाया जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएं। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के सब ठीक हैं तो उसका चलान काटने का कोई कारण ही नहीं बनता। पर एक तरफ तो सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है और दूसरी तरफ पेपर्स को अपने साथ रखने की बात करती है। ये जो बात है ये बड़ी चिंता का एक कारण है। जब सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, अधिकारियों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रह सकता है किसी व्यक्ति की गाड़ी का नंबर डालते ही, तो फिर चलान क्यों? यह भी एक बड़ा कारण बनता है। लेकिन हो सकता है इन सब चीजों के लिए थोड़ा भी टाइम लगे अभी इन सब चीजों को समझने के लिए या इन सब चीजों के
प्रावधान के लिए समय लग सकता है, किंतु जो चलान का अमाउंट बढ़ाया गया है इस बात से हमें विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजिए। आप क्या मानते हैं, चलान का अमाउंट बढ़ाना जायज है या नहीं? आज के विश्लेषण में हम इतनी बात करेंगे और आपके वोटिंग के आधार पर ही इसका पूरा आगे विश्लेषण करेंगे कि पब्लिक क्या मानती है, कितने प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट आया है ये सही है और कितने लोग मानते हैं ये गलत है। आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में और उसके बाद हम इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।